जी नमस्कार प्रणाम, सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगा हर्च। और रेडियो सानवी 96.4 मेगा हर्च पर आवेला एतवार से शुक्र तक 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद स्थानीय सरोकार कार्यक्रम। स्थानीय सरोकार खास करके स्थानीय स्थानीय सरकार के बारे में हमने बात करने छन। देश में तीन गो सरकार बा, ओमे स्थानीय तह से स्थानीय सरकार लोग जे बा, स्थानीय तह के प्रमुख वडा अध्यक्ष लोग उ लोग हुए मालिक, यानी कि प्रमुख लोग उ लोग से बातचीत करने छन। स्थानीय सरकार में स्थानीय तह में का हो रहल बा ओकरा बारे में बातचीत करने छन। स्थानीय सरकार कार्यक्रम में आज भी हमेशा के जैसन कार्यक्रम के साथ में राम मंडल उपस्थित बानी, प्रभुदी ओर से हमेशा के जैसन सानू जी बानी, और हमनी दू जाने में आयल बानी सन एक जन के जनप्रतिनिधि, एगो जनप्रतिनिधि या फिर वडा अध्यक्ष होकस या फिर वडा सदस्य होकस या फिर मेयर गाँवपालिका प्रमुख। हमनी स्थानीय सरकार स्थानीय तह के बात करनी सन। देश में तीन गो सरकार बा, अपने के हम बता दी, संघ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। इससे पहले चुनाव ना भई रहे तो कर्मचारी के हाथ में रहे व्यवस्था, सारा व्यवस्था कर्मचारी के हाथ में रहे, सरकार नाम मात्र के रहे। 2074 साल में स्थानीय तह के चुनाव भइल, ओ में तीन गो सरकार बनल, संघ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। तीनों गो सरकार के अलग अलग जिम्मेवारी बा, जेमे सबसे बेसी जिम्मेवारी सबसे बेसी अधिकार स्थानीय सरकार के बाटे, यानी कि हमनी के घर लगे, हमनी के ओरियानी लगे या फिर हमनी के लगे जौन सरकार बा ओकरे सबसे बेसी जिम्मेवारी बा, यानी कि वडा अध्यक्ष के और गाँवपालिका प्रमुख या फिर महानगर या उपमहानगर नगर पालिका के मेयर के, यानी कि हमनी जहाँ बानी सन स्थानीय तह में बानी सन। स्थानीय सरकार के बात होला, स्थानीय सरकार कार्यक्रम के नाम भी है, स्थानीय तह के ही हमनी बातचीत करनी सन। स्थानीय तह में कार हो रहल बाटे 3 बरस बीत चुकल बा, 1.5 साल बाद चुनाव के सरगर्मी साफ जोरों पर हुई। हालांकि अभी भी बहुत जगह चुनाव के माहौल छा गई बा, बहुत जगह चुनाव भी हो रहल बाटे और बहुत जगह चुनाव के माहौल बाटे, माफ करें चुनाव अभी नहीं के भइल, चुनाव 1.5 साल बाद हुई। और स्थानीय तह के गतिविधि के बारे में हमने 3 साल बीत गई, अब 1.5 साल हमने स्थानीय जनता बानी सन, स्थानीय सरकार के बहुत दिन से हमने के इंतजार ल कि देश में स्थानीय तह के सरकार बनी तो हमने के कर्मचारी तंत्र से छुटकारा मिली। आज भी हमने उहे विषय में बातचीत करें सन, खास करके आज हमने बीरगंज महानगर पालिका के एगो वार्ड के बारे में बातचीत करें सन। वार्ड है वडा नंबर 19 बिंदवासनी, वडा नंबर 19 बिंदवासनी के वडा अध्यक्ष संतोष तिवारी हमनी के साथ में बानी, वहाँ से हमने बातचीत करें सन। वहाँ के कार्यकाल 3 साल बीत चुकल बा, 3 साल में वहाँ का कैनी, बिंदवासनी के महानगर के जौन वडा है वडा अनुसार कैनी कि ना कैनी, वडा में गैले बाद महानगर पालिका में आइल बानी जौन हमने के महसूस होला कि ना, ये विषय में बातचीत करम सन। हमने के साथ में भी आ चुकल बानी वडा नंबर 19 के वडा अध्यक्ष संतोष तिवारी, खास करके वहाँ प्रवक्ता भी बानी मिलल जानकारी अनुसार महानगर पालिका के। सबसे पहले वडा अध्यक्ष के स्वागत करम सन। संतोष सर, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने। जैसे कि अपने 19 नंबर वार्ड के वडा अध्यक्ष है कि ना? जी जी। अब जैसे बिंदवासनी साबिक गावी सह साबिक के गांव रहे या फिर अभिन अगर जाय जाए तो बिंदवासनी में अपने के वार्ड में महानगर के फीलिंग या फिर अनुभव विकास निर्माण भइल बा कि ना, अपने मुँह से कह जाओ। अब सबसे पहले तो अपने आज बहुत बढ़िया सांदर्भिक बात पूछनी है। बिंदवासनी पहले के गावी से रहे जी, बीच में क्या रहे कि जन प्रतिनिधि विहीन अवस्था में 18 बरस देश चलल बा, गांव चलल बा, गावी से भी चलल बा। जी जी। अब 3 साल भइल हमनी के, 4 साल पहले हमनी के महानगर पालिका में गवाइल हमनी के गावी से एक बेर डायरेक्ट महानगर में हो गए, महानगर पालिका में हो गए। अब पहले गावी से के भी अवस्था क्या रहे रुवे मालूम है बा, 18 बरस तो गावी से में जन प्रतिनिधि व्यवस्था रहे ना, प्रतिनिधि लोग रहे, और बाद में सारा सदर मुकाम केंद्रित रहे द्वंद समय में, जिला विकास में सचिव लोग बैठे। हाँ हाँ,
हुए बैठे हुए रूम ले लो रहे लो जी जी। सात दल के पांच दल के प्रतिनिधि लोग जाए हुए सारा विकास हो जाए ये भी समस्या रहे। आप महानगर पालिका में डालते डालते में महानगर पालिका के भी ऐसा हमने के पीरियड में महानगर पालिका में गनी सन कि हमने जाना साले चुनाव मैंने इलेक्शन के बाद में हमने महानगर पालिका में प्रवेश गनी सन तो मोटा मोटी 30 करोड़ रुपया बकाया रहे लोग के देव के पार्टी के पेमेंट ठेकेदार लोग काम कर ले रहे पैसा ना रहे कहीं विकास निर्माण पहले कर ले रहे पैसा ना रहे पहले तो बकियाउटा तिराइल हमने के हमरा मने जानकारी अनुसार जी अपने के वार्ड में अपने के वार्ड में मतलब ना ना हमनी के वार्ड के समग्र बीरगंज महानगर पालिका के हमनी के हां जी 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 जनप्रतिनिधि बन के गइले के बाद में 30 करोड़ रुपया बाकी आउटा रहे जी जी अपने एगो बात हम अपने के क्लियर कर देतानी अपने महानगर के प्रवक्ता भी बानी सही है जी 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 ओ हिसाब से भी अपने बात कर रहल बानी ये हम श्रोता के भी जानकारी देतानी कि संतोष तिवारी जे है वार्ड नंबर 19 के महानगर के प्रवक्ता भी है अब कहल जाओ तो का बाकी हमने के ऊ भइल ओकरा वार्ड में हमने के बजट कितना भइल कि 60 लाख रुपए साल के हमने के बजट बा रोवा मालूम है कि गांव पालिका सब में 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए बजट बा दू करोड़ हमने के महानगर पालिका हां 2 करोड़ तक ले भी बा हमने के महानगर पालिका के वार्ड के सीलिंग 60 लाख रुपए है 50 लाख 60 लाख का है हर एक वार्ड अध्यक्ष हम बात करी काल भी हम बात करी 26 नंबर वार्ड अध्यक्ष इससे पहले 20 नंबर वार्ड अध्यक्ष हम बात करी ओकरा बाद 9 नंबर वार्ड से बात करी हर एक महानगर के वार्ड अध्यक्ष के ये बात बा कि हमनी के बजट कम बा अपने लोग के अब हम बताओ तो नहीं रुआ से ये पहले आराम से सुन ले हमनी बात कर ले जब हमरा के जोड़ ले पानी तो जी जी 60 लाख रुपए हमनी के तीन किस्म के वार्ड बाटे वीरगंज महानगर पालिका में क ख ग जी तो जोन एकदम विकसित वार्ड बा ओकर 40 लाख रुपया मिलेला साल के और ओकरा से थोड़ा सा बा 50 लाख है वो 60 लाख रुपया बा हमनी के ग्रामीण वार्ड में 60 लाख रुपया बा 60 लाख जी 60 लाख रुपया में हमनी के विकास करे के बा पूरा बाकी है बा काम फिर भी हमनी बहुत अपना सके भर बहुत मेहनत करके ढलान नाली सब बनाए होता नहीं सब हमनी के अब काहे कोनी हो कहा कि बहुत परियोजना चलता एडीबी के परियोजना चलता आरयूडीपी के परियोजना चलता और वह फोर व्यवस्थापन वाला परियोजना चलता सब में भी मैचिंग फंड देवे के पड़ला हमनी के ये साल तो 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया बजट भी काट के आयल बाटे कोरोना के लेकर के हमनी के महानगर पालिका के विकास के बजट 97 करोड़ रुपया हो ओमे कर्मचारी के तलब वलब अथी बाटे रुआ दोनों मिला के 54 करोड़ रुपया विकास के हो ओमें तलब भी बा और भी प्रशासनिक खर्चा बा ऐसे हमनी के 60 लाख रुपए सीलिंग बाटे वार्ड के जम्मा अब परियोजना सब में कोनो में 10% कोनो में 15% कोनो में 7% 22-23 करोड़ रुपए परियोजना में हर एक साल मैचिंग फंड में चल जाला जोन हमनी के महानगर पालिका के स्थानीय सरकार के जोन ओमे मैचिंग फंड लगानी जोन करे के बाद ओकरा हिसाब से भी चल जाला जी ऐसे ऊ पैसा भी खत्म हो गेल अब जाके अब ये साल से परियोजना सब अंतिम अंतिम में बा अब ये साल से कहीं कुछ पैसा वैसा बड़ी बात अलग बा अभी हमनी के वार्ड के सीलिंग जम्मा 60 लाख रुपया जी अपने के वार्ड के 60 लाख रुपया बजट है कि ना जी 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 अब बताई एगो गांव पालिका के बजट 1.5 करोड़ है वार्ड में आ महानगर के वार्ड में 60 लाख मिली तो विकास कैसे करे सबसे दुखद बात ई बा कि हमनी के जोन ग्रामीण वार्ड सब भोचुआ के भर में महानगर पालिका में जोन मिला दल गए उ कदापि ना मिलाओ के चाहि हमनी के विकास करे के रहते 4 गो 5 गो 6 गो गावी सब मिला के एको गो गांव पालिका बनाओ के चाहि चाहे 16 गो गावी सब मिला के 16 गो गावी सब मिलाओल गए पहले के जी साबी के एगो गांव पालिका मिलाओल गए बेलवा गांव पालिका भई रहे बेलवा गांव पालिका में 5 गो गावी से रहे 11 गो ही मिलकर हुआ 16 गो गावी सब मिलावल गेल त महानगर पालिका भइल बा आज देखी हैसियत आज हैसियत का बा कि गांव पालिका में जितना बजट बा उतना महानगर में लेके जबकि सबसे बड़का स्थानीय तो सब होचुआ हिसाब से चल गेली महानगर में ले जाए के कोनो एकर टूके ना रहे जनता के बोझ दियाइल जी खाली रुआ ओबरा भी हमनी विरोध कइले रहनी सब रुआ मालूम होई ओबरा भी हमनी के संघर्ष समिति बना के पूरा सोरे गावी सब लोग कुछ लोग रहे और बहुत कुछ लोग बहुत किस्म के बात कहे जाए ये लोग नगर पालिका में चल गया से मुखिया ना बनी लो वही खतरा विरोध करता लोग चाहे बहुत विभिन्न किस्म के बात रहे हमने के कोनो सोरे को जानू ग्रामीण वार्ड बा वीरगंज के साबिक वार्ड तो अभी रोवा गावी सब इससे भी बतर अवस्था बा तो हमने के तो कोनो पूर्वाधार ना भल जगह के ले जाके महानगर में मिलाओ के तो कल्पना ना करे के चाहे अभी भी
ई बात अपने बहुत बढ़िया कहनी संतोष संतोष सर अपने बड़ी बढ़िया बात कहनी कि पहले के गाविस के जबरदस्ती मिलावल गई बा गाविस के जौन जितना भी वार्ड सदस्य लोग बा सब ये बात कहला अपने लोग के बोर्ड मीटिंग होला बोर्ड मीटिंग में ई बात अपने ना कहनी लगन अब बोर्ड मीटिंग में कह जला फिर अब रुआ देखी महानगर पालिका मिला दलक ओबरा हमनी के बहुत बड़का विरोध मिलावे के भी हमनी के महीना महीना दिन गावी सब में ताला मार के भी आंदोलन कनीसन जी जी बर्ता टोली आई हमनी कनीसन हमनी के अभी कोनो हिसाब से नगर पालिका बनावे लाए कैंप उप महानगर पालिका रे ओबरा तत्कालीन उप महानगर पालिका रे बाद अब तो महानगर इतना ना बड़का स्थानीय तो हमें चल गेल महानगर पालिका के हमनी के कोनो भी स्ट्रक्चर से हमनी ने की सब पूरा कोनो किसिम के विकास निर्माण के तुलना से महानगर के मापदंड होला त ना हिसाब से हमनी पुगले ने किसी जबरदस्ती हमनी के लाद के भार दिया था हमनी के कह के बहुत पहले से आज भी हमनी के जब बोर्ड बैठक होला तो ओबरा हमनी के विकास के बात होला ग्रामीण वार्ड शहरी वार्ड के थोड़ा फीलिंग भी हो जाला भी फीलिंग होला एकदम हमनी के एकदम हमनी के फीलिंग भी हो जाला हमनी के अपने वार्ड अध्यक्ष साथी लोग से कबो कबो तंगा तीठा मीठा भी हो जाला समस्या तो बा बहुत समस्या भाई लेकिन एगो बात हम कहें वीरगंज महानगर में दूगो वार्ड बा एगो शहरी क्षेत्र है एगो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 14 से 15 गो वार्ड बा जौन हाँ 16 गो वार्ड हाँ जी जौन की प्योर जौन कहल जाला वहाँ के लोग के भी था नहीं कि हमनी महानगर पालिका में बानी सन अभी भी अपने जाई 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 में ई 5 गो वडा में हम गईनी उ लोग के आज तक ले था नहीं के कि हमने वीरगंज महानगर पालिका में बानी सन उ लोग अभी कहला लोग कि हमने गाविस में बानी सन अब ई अवस्था में एगो महानगर बन गई आज बजट भी देवल जाता इतना कम विकास कैसे करम लगन अपने लगन विकास के बहुत बड़का चुनौती बा अपने के मालूम भी बार हुआ तो एगो देश के चौथा अंग के रूप में बानी पत्रकार बानी ओकरा बाद में लोकल आदमी बानी यानी के लोकल बासिंदा भी बानी जी, तो सब जगह जाते नहीं जी हमर हमर घर महानगर पालिका ग्रामीण क्षेत्र में है जी महानगर पालिका के ग्रामीण वार्ड के विकास करे खातिर स्पेशल संघीय सरकार और प्रदेश सरकार अगर ध्यान ना दी तो बुझी की 20 बरस में भी हमनी के महानगर पालिका के वार्ड लायक ना बन सके जी अब एगो बिंदवासनी गांव पालिका अपने के गांव साबिक के कहल जाओ तो गांव से थोड़ा सा शहर से लागल बा हाईवे में पड़ेला थोड़ा सा तनका सुख अपने विकसित अवस्था में बानी अब अपने जब ऐसा बात करें हाउ 27, 28, 29, 30, 31, 32 के गांव के लोग वहाँ जाए जाला तो वो लोग खुद था नहीं कि हमने महानगर पालिका में बानी लोग बानी सर लेकिन वो लोग जब जाला वाड़ा कार्यालय में वाड़ा कार्यालय में वो लोग के बुझा जाला जब टैक्स तिरे के पड़ेला एगो बाटो प्रमाणित या फिर कुछ हो वहाँ जब पैसा देवेला लोग तो सचिव लोग कहला लोग महानगर पालिका के कर हो तो वो लोग के बुझाला अब बताई रौरा प्रवक्ता बानी इतना कर महानगर पालिका काहे लौट लेबा अब देखिए कर में भी दो किस्म के बार हुआ के पहले भी हम कहनी ग्रामीण वार्ड के कर कुछ कम बा शहरी इलाका के कर ज्यादा बा अभी तो बोले बा कर महानगर पालिका में बा तो महानगर पालिका चलाओ खतरा बहुत विभिन्न किस्म के हमें कर्मचारी एगो पहले ही से पूरा भरल बा 700-800 स्वीपर ट्वीपर सब लेके कर्मचारी बा अपने के सबके तलब सुविधा बा महानगर पालिका बंदे कर दिया तो वो हमनी के जनप्रति हमनी के ग्रामीण वार्ड के बहुत बाजार से आधा बाटे टैक्स हमनी के घर बाटो सिफारिश भइल चाहे चौधरी प्रमाणित भइल चाहे अन्य किस्म के बहुत सिफारिश सब बाकी जौना से सॉरी वार्ड से ग्रामीण वार्ड के कम बा लेकिन पहले के लोगवा का कहला हम गांव के बारे का कहला कि ये इतना ना लागे पहले सुनी ना जी पहले गावी से रहे तो 5 रुपया ना लागत रहे आ ये बड़ा लागत लेकिन अब तो महानगर पालिका हो गल तो पहले लोग 2 रुपया नहीं देले अगर 200 रुपया देव के पड़ी तो बुझाई तो जरूर है बुझाई सब बात कर्मचारी लोग एगो कर्मचारी हमरा से कहनी है आज हम गई रहनी है कि जब पैसा मांगल जाला बिल काट के देवल जाला तो लोग 10 रुपया के बिल काटे तो कही ना हम 5 रुपया ले लो बउआ एगो हम बड़ी निमन कर्मचारी के दुख आज समझनी है वहाँ कहनी है कि देखी हमनी गाँव में बानी सन तो 10 रुपया 100 रुपया बिल काट देला तो 50 रुपया देवे लोग कहला लोग ले लो ना बउआ यानी कि अभी भी महानगर ग्रामीण क्षेत्र में ई महानगर का है लोग के था है नहीं है नहीं के नहीं के महसूस भी नहीं के वैसन वातावरण भी नहीं के सबसे पहले तो हुआ महानगर पालिका कहे के मतलब सब वार्ड में टैक्स तिरे वाला जगह अब तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक वीरगंज के भी अब तो वीरगंज महानगर पालिका में जितना
व्यवस्थापन ऑफिस के होके चाहिए स्थानीय निकाय में तो बहुत सारा ऑफिस शिक्षा स्वास्थ्य की रुआ महिला विकास दुनिया के ऑफिस 10-20 वो ऑफिस तो गाँव जलवन स्थानीय सरकार में कर्मचारी भी नहीं है तो आज हम देख लिया दू गो वार्ड के एगो अधिकृत बा सुनी ना कर्मचारी के भी अभाव बा ओकरा बाद में कर्मचारी के बैठे खतरा वैसन मैंने वैसन प्राविधिक सुविधा भी नहीं के भौतिक सुविधा भी नहीं के पहले तो बाब अभी तो हमनी के बुझी की 5 बरस हमनी के चुनौती के पीरियड भी थी यानी कि अपने लोग के 5 बरस जवन चुनौती में भी थी चुनौती में व्यवस्था में अब 2 साल तो हमनी के एने कानून बनाते उनाते लागू मान के चले अब तो 1 साल से पर साल कोरोने खा गई अब 1 साल से विकास के कुछ रफ्तार बढ़ाओ के बाद पर साल तक कोनो कामे ना हो सकल वार्ड के पैसा सब वही अल्ले करके राखल गई बहुत वार्ड में कामे ना हो सकल कुछ वार्ड में काम भइल कोरोना के पहले हमनी के ग्रामीण वार्ड में कोरोना के लेके और महामारी सब जगह कामे ना होके भइल सरकारे रोक दलक महानगर पालिका भी रोक दलक जी अब पहले कोरोना कोष में अब जितना कोरोना से खर्चा से उभरी तरह से विकास कैले कहके अब तो उपाय का बा का करम अब जनता जोगावे वाला समस्या रहे उभरा अपन जीव जन के रक्षा करे के समस्या रहे बहुत विभिन्न किस्म के चुनौती भइल हमनी के संगे अपने लोग जब 2074 साल में स्थानीय चुनाव भइल 20 बरस के बाद लगभग 20 बरस के बाद कर्मचारी तंत्र अंत भइल बहुत उत्साह रहे ओ बेरा बहुत ज्यादा उत्साह रहे जे भी जीतल उ कहले रहे कि एकदम निमन विकास हुई आज विकास देखिए अब रउआ यही बात में कहता नहीं 20 बरस में जौन काम नहीं के भइल जौन जन प्रतिनिधि पीरियड में लोग के चाहना अनुसार काम भइल बाबर अगल की अब साधन स्रोत सीमित साधन स्रोत में भी हमनी के वार्ड सब में तो बहुते काम कैले बनी से बात छोड़े बा हमनी के 20 बरस में कुछ ना भइल जौन जन प्रतिनिधि ना रहे ओकरा कुछ ना भइल हमनी के पीरियड में तो बहुत जगह मोटा मोटी रुआ नाली रोड ढलान ग्रेवल कम से कम नहीं खेत कहीं पाक वाला तो वातावरण नहीं खेनू पहले बैशाखे में से पाक हो जाए गांव में अब समस्या तो नहीं कम से कम ग्रेवल के रास्ता तो हो गए जी जी बढ़िया बात कहनी अच्छा संतोष जी अपने अपना वार्ड में कथी कथी कहले बानी ई बात बता दी हमनी के वार्ड में तो बहुते काम भइल बा रुआ ढलान भइल बा पीच के भी काम भइल नाली भी बनल विंध्यवासिनी मंदिर से अथी चौक से लेके पूरा विंध्यवासिनी गांव में ढलान के काम मोटा मोटी सब पर गए 2 साल से बरवा में शुरू होके जा रहा बा बहुते काम भइल बा ऐसा बात नहीं की नहीं के भाई यानी जितना होके चाहिए महानगर के हिसाब से उतना ना बोल फिर भी 60-70% तो हमने काम कैले ही बानी सर जनता सुनता अपने के वार्ड के जनता सुन रहा बा रेडियो अपने अपना खुद मुँह से कहता नहीं की उतना नहीं के भाई 1.5 साल बाद चुनाव आ रहा बा ना ना हम लबराई के कहती हम सब कर रहे बानी तो नानू भइल जी हम जितना कैले बानी उतने नु बताएं जी 1.5 साल बाद चुनाव आ रहा बा फिर से अपने लड़ेम कथी मुंह लेके जाए तो जनता माहौल आई देखल जाए समय आई तब नु का होई अभी तो पहले कोरोना महामारी से बचल जाए तब नु चुनाव के बाद अभी तो कोरोना महामारी जौन कहल जाला बीरगंज में या फिर परसा जिला में जौन हॉट स्पॉट बना रहे बैसाख चैत बैसाख में अभी तो कुछ भी नहीं है अभी सब कुछ खुलिए गई अपने के वार्ड में भी हाँ कि ना अपने के वार्ड में भी सब कुछ खुलिए गई हो खास ना, करके ना खुले के खुल गई बा अभी भी संक्रमण बढ़ ले बा लोग संक्रमण बा नहीं के बोल अब देखिए का बात मानो ये हो गई बा जेकरा नहीं के बोलू बुझता कुछ ना हो जेकरा एक बार कोरोना हो गई बा बुझता की भाई के हम जी गए नहीं वे बहुत मुश्किल बा अभी नहीं के बोलू साधारण लेता जेकरा अगर संक्रमित हो गई बा बहुत बड़का समस्या में भाई अपने के वार्ड में कोरोना के बात की हो एक बेर झगड़ा भी भइ रहे कोरोना महामारी के जौन रहे उ समाचार हमें लिखले रहनी हमें फोन कैले रहनी एक बेर झगड़ा भइ रहे आदमी के मुड़ी फूटल रहे नारायणी अस्पताल में भर्ना भी भइ रहे राहत वितरण में काहे उ राहत देखिए उ सबसे बड़का बात का बा कि उंगा काहे कहनी रउरा राहत वितरण के पीरियड में झगड़ा भइले राहत वितरण खातिर झगड़ा ना भइ रहे सबसे पहले ही समझे के पड़त जी जी हमनी के ओकरा के बीजेपी काल के भी हम भी कॉलर रहनी महानगर भी कॉलर है उ कह रहे की हमनी के राहत बांटे के रहबिन अब के कोरोना महामारी के एकदम भयंकर स्थिति चल रही वही समय के बात जी 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 कुछ अपने लोग बाटे जन अपने पटेदारी में कुछ विवाद के चलते झगड़ा हो जाए नाम लिखा उखा के पूरा सिलेक्शन हो गए केकरा के राहत लेवे ला बा के नहीं लेवे ला पहले ही बात भइल अब हमनी के राहत खातिर झगड़ा ना भइ रहे राहत लेवे खातिर झगड़ा ना भइ रहे अब विवाद हो गेल आपसी मन मोटाव से जी जी अब वो बरा के पीरियड में जे भइल अब सब लोग बुझ लेल कि राते खातिर भइल बा अब समय ओ बरा पड़ गेल
थोड़ा सा उल्टा खास करके राहत के विषय में ही तो भई रहे कि हमरा ना मिलल राहत के विषय में भइले ना रहे उ बातें ना राहत के बाटे के रहे अभी तो हमनी राहत ओ दिने बटले ना रहे ओ दिने नाम लिखा रहे नाम लिखा रहे नाम लिखा रहे जी जी नाम हम लिखा गेला पर आपसी घराईसी संबंध अपने घर परिवार के लोग से दुख भाई लोग रहे उन लोग से झगड़ा भइल झगड़ा से अब जानते बने गांव घर में जी जी झगड़ा हुई तो लाठी चल जाई मुड़ी फूट जाई हां गांव के तो ये समस्या बा महानगर पालिका में मान जी जी छोटा बात के भी बहुत बड़का ईगो बना ले हमनी के अब का कहलम का करे महानगर पालिका में मानी सनी सोरेग वार्ड में यही होला थोड़ा सा बात सब जगह बात नहीं के जे सोचे समझे वाला बा उना चला पालिका हो गया के बाद में ओकर दोसर रूप रंग होला ऐसा बात नहीं के नु हमनियो काठमांडू जानी सक काठमांडू के मेन रोड में घूमे नहीं सन त महानगर काठमांडू के गली में ढुकी ना इतना पाक हेल हेल के जाए के पड़े ऐसा बात छोड़े बा अब तो यहाँ महानगर बनाओ के बाद अब दक्षिण एशिया के हमने के देश में अथी नेपाल के चुनाव बाकी की हमरो देश में 10 गो महानगर पालिका बा 5 गो महानगर पालिका बा पूरा गांव पालिका बना देल गेल खेल खेल के परसागढ़ी के नगर पालिका बना देल गेल बहुद्रा माई के नगर पालिका बना देल गेल तो वहां जिला के अपने के संतोष सर अपने के हम बता दी बहुद्र माई परसागढ़ी में अधिकांश बजट बा अपने लोग से ज्यादा बजट जाला वाडा में वही वो तो बात बा बहुद्रा माई में अब परसागढ़ी में अब दोसर खर्चा तो नहीं है अब रुआ एडीबी के प्रोजेक्ट नहीं के चलत उतना स्वीपर नहीं के सर सफाई के मने उतना वो बात नहीं के तो कहाँ साधन स्रोत के कम बा जी महानगर के ग्रामीण क्षेत्र में महानगर पालिका में कहाँ सर सफाई नहीं के नहीं के बहुत सब जगह भाई सब बात छोड़े क्या ये अच्छा संतोष सर अपने प्रवक्ता है महानगर के वो हिसाब से भी पूछ रहा बानी महानगर के मुरली चौक में कोहिने न कोहिने फोहर कह के दू गो बा डस्टबिन बड़का डस्टबिन बा अपने के वार्ड में देखी 28 में देखी 30 में देखी 32 में ये गो छोट भी डस्ट भी नहीं के ई कहा है अपने लोग के वार्ड में क्या बनू हमने के वार्ड में जी हमने के मेन सारा लोग बाहर के लिया के नाली में बिक जाला हमने के गांव घर में जी अभी महीना के बाद फिर हुआ मुंशी रोडी 20,000 डस्टबिन के फेंका पटा भोल बा 20,000 डस्टबिन गाँव में प्रत्येक घर में दो दो गो डस्टबिन देवे का प्रोग्राम होता हुआ नानू महानगर के शहरी क्षेत्र में खाली डस्टबिन रही ग्रामीण क्षेत्र में ना रही पहले का कनियो महानगर होते हुए भी दो तरह के व्यवहार बा दो तरह के बात बा पहले के शहरी क्षेत्र बाद में ग्रामीण क्षेत्र तो पहले शहरी क्षेत्र में सब जगह डस्टबिन बटाइल बनल हो चाहे कुने न कुने पोह रखे वाला जगह बनल हो अब ओकरा बाद में ग्रामीण वार्ड में बने वाला बा यानी कि जो ना मायबा मतारी कहल जाला या फिर एगो सौतेनी व्यवहार जो होला सौतेनी व्यवहार अब ओसने देखी अब एको को हमनी के महानगर के भी वार्ड बेलवा भइल लाल परसा भइल सुनी ना हमर गांव हो गए लाल परसा बगैया भइल बगई भइल घुरमी भइल उदयपुर घुरमी के रुआ 18 सुगौली भइल हरपतगंज भइल कितना बड़का बड़का वार्ड बा अब सब जगह अब रुआ कहन जे 10 दिन के व्यवस्था हो जाए उ लोग टेक्स्ट में के तिरत महानगर पालिका टेक्स्ट सुनी ना तो सरो सफाई में भी तो टेक्स्ट में टेक्स्ट तिरत आ तो ओकर व्यवस्थित होत रहा वही अब रुआ कबे करिए जे मनसिर में हमनी के ग्रामीण वार्ड सब में डस्टबिन बांटे के प्रोग्राम बा सब घर में दुगो कम से कम डस्टबिन एगो कुइने न कुइने एगो बोरा जोन प्लास्टिक को जन सामान सभी जोन बाटे जोन बेची होके वाला बा उ सब बोरा में कस के रखे अगहन अगहन में अपने पुगा दे अगहन में हमनी के बात कालो भी बात बोई रहे जी रौरा प्रवक्ता बानी महानगर के सब बात अपने के था हुई अपने मने पुगा दे सब का हमनी के हम प्रवक्ता बानी कार्यपालिका के प्रवक्ता है जी कार्यपालिका में निर्णय भइल कार्यपालिका के भीतर के बात पूछन त हम बता जी कार्यपालिका में निर्णय भइल बा कि ना महानगर के ग्रामीण क्षेत्र के भी विकास कइल जाओ कह के कोनो बात आइल बा कि ना निर्णय बिना निर्णय के महानगर पालिका के ग्रामीण अध्यक्ष की महानगर छलफल होला कि ना आ कि शहर के महानगर पालिका के सोरेग वार्ड में 50 लाख 40 लाख रुपया बजट बा ग्रामीण वार्ड में 60 लाख बाटे ते विकास करे खातिर 10 लाख 5 लाख वहाँ के साथी लोग हमनी के बेची देल बा जी हाँ ग्रामीण वार्ड बा वार्ड बा यहाँ पहले से कोनो भौतिक पूर्वाधार संचालित नहीं के वहाँ कुछ कुछ भइल बा वहाँ मरम्मत पहले से भी हो जाए तो यहाँ पूरा बनाई के परी कहके ये बात खातिर साथी लोग हमनी के देल बा संतोष सर अपने अब कहतनी हमनी के दीपावली आ गई छठ आ गई हमनी गाँव में रहनी सन सबसे बड़का हमनी के चीज का हो अभी बॉल लाग जाए तो बड़ा नीमन लागेला छठ में जाए जाला छठ घाटे तो बॉल लगावे के शुरू करेला लोग बड़ा गांव में देख रहा बनी
हरेक साल छठ में बॉल लागेला। ये कौन बॉल हो रउरा लोग कौन बॉल लगावे नहीं लगन कि एक साल बिना टिकेला? कितना साल बॉल? एक साल भी बॉल ना टिकेला। देखिए बताओ तो हर एक साल बॉल लगावे नहीं लगन रउरा लोग। कौन है नुरुआ जी? हमने के एलईडी बॉल चाहे सीएफएल बॉल जोन लगाओ था निशान सीएफएल एक साल के तो मियादे रह लो कर वो तो गारंटी रह लो ओकर एक साल के गारंटी में की नहीं बेकर लो मैं कोनो दुमत नहीं छे हर एक साल लगाओ नहीं लगन तो क्या करे मैं बाहर बाप पानी लगाता घाम लगाता भीतर जोन बॉल जितना दिन टिकी बाहर रहे वाला तोरे टिकी। अच्छा एक बात बताई बॉल हरेक साल लागेला हरेक छठ में ही लागेला हरेक दीपावली में ही लागेला? ना ना कोनो जरी नहीं के हमने के तो हफ्ता में हरेक दम और हरेक हमरा वार्ड के शेड्यूल किचन तो हरेक मंगर के मिस्त्री आवेला जी दू गो तीन गो चार गो टोला बा एगो टोला के पहले देख ली कौन फ्यूज भइल बा काले हमरा वार्ड में माने काल के तत्काल रो पूछनी है तो बताओ तने हरेक हफ्ता में हरेक जगह मिस्त्री जाला हरेक वार्ड में छठ घाट माने जाएला निमन हो गइल बा हमनी के जो ना ना छठ घाट जाएला निमन के ना पूरा गांव में हरेक हफ्ता में पर साल से एगो नया सिस्टम का बा की जी हर एक वार्ड में हफ्ता में एक बार मिस्त्री जाई या दो दिन एक्स्ट्रा रहला अगर क्योंकि काम थोड़ा सा कम हो गई बा लेके रह सकल बड़का वार्ड में तो जो हफ्ता में दो दिन फुर्सत वाला मिस्त्री के वहाँ भेज दिया ला यानी कि कर्मचारी बेसी बा एक दिन फुर्सत में रहला अच्छा ठीक वार्ड में हर एक हफ्ता में कम से कम दो दिन काम करे जी जैसे कि हमनी देखल जाला अपने के वार्ड में बढ़िया नियम लगेले बानी हमनी के का हो पैसा रहेला लेकिन खर्च करे के हिसाब भी खर्च करे के आइडिया भी थोड़ा सा कमी बा हमनी में हम तो होला। हाँ जैसे कि हरेक साल हमनी बॉल लगावनी छन हरेक छठ में बॉल लागेला हम देखे नी ग्रामीण वाड़ा में हरेक दीपावली में अभी भी बॉल लाग रहल बा फिर अगिलका साल लागी फिर अगिलका साल लागी ना लागेला सब ना लागेला भैया कम से कम रुआ बात बुझी एक साल के गारंटी वाला बॉल आवेला जी अपने के ठीक बात संतोष संतोष अपने के हम वीडियो दिखा दे अपने के हम वीडियो दिखाए बता हम कहीं होई हमने के का बाकी हमने के खरीद करता निशन एक साल 15 वाट के एलईडी बॉल जी एक साल के गारंटी एक साल के गारंटी मिलबे करला बाहर आता अगर वो एक साल के भीतर चाहे 10 दिन में एक महीना में फ्यूज हो गए वो बॉल फेन फिरता हो जाला ओकर साथा में दोसर आ जाला जी तो ई लोग का कोइले बा अभिन महानगर पालिका वाडा के ही दे देले बा अपने लोग बॉल लगाई ई बॉल के इतना समस्या बा कि कोनो तो दुइये महीना में आंख मारे लागेला जोन हमनी कह नहीं सकते बाकी ना कोनो कोनो 500 बॉल लागत तो में दुगो चार को कमी बेसी जी फ्यूज हो गेले उ बात अलग बा लेकिन वाडा आदा छ लोग जन प्रतिनिधि लोग के का बा एगो लॉलीपॉप जोन होला नु अपन जनता के जी हम जनता है हम जनता के हिसाब से जनता भी है पत्रकार भी है रुआ कोई के अधिकार बा अधिकार बा हमो से हम पूछत हैं जन प्रतिनिधि के काम है और जन गुनाह सो सुने जी हमर गुनाह सो सुनी रौरा हमर गुनाह सो सुने हम एगो महानगर के जनता भी है या पत्रकार भी है महानगर के हम डायरेक्ट कहतानी जनता के बात हम कहतानी एगो का बा महानगर के वडा दस लोग के लॉलीपॉप का होला हरेक केनहो विकास ना केनहो बॉल ना लगाई लोग जब दीपावली आ जाई तो बॉल लगा दिलो उ लोग जाना था कि दीपावली में सब लोग अजोर खोजेला छठ में अजोर खोजेला वो दफे उ लोग लागिलो बॉल लगावे बैसाख जेठ में काहे ना लागेला बॉल रुवा के पहिलो हम कनियो कि ओइसन बात नहीं है प्रत्येक वार्ड में हफ्ता में दो दिन मिस्त्री के काम करे के बाद एक बेर पूरा लाग गयल में जोन भी फ्यूज होता बिगड़ता कार्बन धरता ओकर हफ्ता में कामे हो जाके चेक करे के कौन बढ़ता कौन नहीं के बढ़त जोन नहीं के बढ़त ओकरा के चेंज करे के कामे हो हमरो गली तो निरंतर काम होला अब कोनो कोनो पोल पर स्विच भी लगावल बा घर पट्टी जेकरा द्वार के सामने बा ना बुटावेला डिलेवर बढ़ जाई तब नाइके आयल एगो और समस्या हम का देखनी हमनी के गांव घर में का होला एगो जौन बॉल बा एगो स्विच लगावनी सन अब उ दिन भर बॉल बरते रही अब देखियो समस्या चुकी तो जनता के भी साथ देवे के परिन तो जनता केतना करी अब वार्ड अध्यक्ष चाहे एगो दू गो चार गो कर्मचारी बा सचिव बा चाहे केहू बा 10 बजे आई जनता के जेकरा अब रउआ द्वार पर बॉल लागल बा रउआ द्वार पर अगर ना बुताए ठीक सवेरे बुता दे में का दिक्कत हो जाए जी अच्छा ठीक बा हम मानतनी ना बुतैनी हमरा मने नहीं के बुतावे के रौरा लोग जन प्रतिनिधि हई रौरा लोग के सिस्टम बानू ऐसन सिस्टम बनाई
एगो स्विच दाबी तो सब बड़े आएगो से थे ओइसन 9 नंबर वार्ड में हम बात कर ले रहनी है अभियान आ गेल बा वीरगंज में ई साल भर के भीतर में रहुआ एको गो बॉल पोल में ना रही 14,000 एलईडी वेपर लागे जा रहल बा वीरगंज महानगरपालिका के 3200 वार्ड में जी जी सबके 50-50 गो के एगो स्विच बा जोन टाइमर सेट रही सवेरे अपने बुझ जाई शाम होई तो अपने बढ़ जाई जी जी संतोष सर बहुत बढ़िया बात कहनी है बड़ी मन रहल और भी बात करी 2 मिनट टाइम बा जमा दीपावली के अपने के बहुत सारा शुभकामना बा छठ के शुभकामना बा छठ निमन से बनाई दीपावली निमन से मनाई अपन वार्ड के जनता के अच्छा से सेवा करी 1.5 साल बाद चुनाव आ रहा बा फिर से टिकट मिली तो फिर से कहीं चुनाव लड़े तो फिर से ये बात अपने जाके दिखावे के पड़ी कि जनता अपने का जनता के का कहनी है वो के चलते लास्ट में अपने अपन वार्ड के जनता से का कहे के चाहे अब हम अपना वार्ड के जनता के ये कहे के काम चाहे वीरगंज महानगर पालिका के संपूर्ण जनता हमनी के पर्सा जिला वासी से कि हमनी के आवे वाला दशहरा तो बीत गए दीपावली और छठ के बहुत बहुत शुभकामना बा हमनी के अपन जौन एगो हिंदू लोग के महान पर्व बा हमनी के दीपावली छठ ओकरा के बहुत विधिवत तरीका से हमनी के शांतिपूर्ण सामाजिक द्वारा कोरोना के भी महामारी बा सामाजिक दूरी बनाते हुए अपन बढ़िया से पर्व हमनी के मनावल जाम दुर्गा माता अति छठी माता सब लोग के छठी माता सब लोग के कल्याण करत जी जी ये शुभकामना भी बा ये आग्रह भी बा सारा लोग से जी धन्यवाद छठी माता कोरोना के ले ले जास ये हमरो शुभकामना बा अब खातिर संतोष सर अपने टाइम देनी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जी जी अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद कम से कम आज हम अपना रेडियो मार्फत हमनी के वार्ड के वीरगंज महानगर पालिका के बात रखवा देनी ओकरा खतरा अपने के लगाया तो अपने के पूरा टीम के बहुत बहुत धन्यवाद जी वहाँ वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 के वड़ा अध्यक्ष संतोष तिवारी महानगर पालिका के प्रवक्ता भी हई 19 नंबर वार्ड साबी गावी सह साबी गावी सह के लगभग 4 गो वार्ड अध्यक्ष से बात कर चुकल बानी चारू वार्ड अध्यक्ष के एक गो बात बा 40 लाख मिलेला 50 लाख मिलेला 60 लाख मिलेला गाँव पालिका में 2 करोड़ मिलेला महानगर के विकास कैसे हो हमनी के पैसा नहीं के महानगर पालिका में जबरदस्ती गभाइल बा हमनी के गाँव ई उलो के भीतर के जौन है जौन जौन दुख दर्द है अगिलका चुनाव में उ लोग जाए लोग जनता लोग के जरूर कही लोग समस्या भी हमने बातचीत के निशन 19 नंबर वार्ड बिंदवासनी गाँव पाल बिंदवासनी हुए हमनी के वड़ा नंबर वहाँ के वड़ा से बातचीत के निशन बिहान फिर से दोसर जनप्रतिनिधि दोसर जनता स्थानीय सरकार स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि से बातचीत करम सन स्थानीय तह संबंधी हमने बातचीत करें सन स्थानीय तह के सरकार 3 गो सरकार बा जेमे से 3 गो सरकार में से स्थानीय तह संबंधी हमने बातचीत करने सन आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा 6:01 हो चुकल बा अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करेला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत राम मंडल के बिता दी नमस्कार।